अरे बच्चों, मैं बात करूंगा आज उन बच्चों के जो क्लास 8th में या 9th में या 10th में पढ़ रहे हैं और आगे चल के एंट्रेंस या किसी कंपटीशन को फोकस कर रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग एक एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी करें। ये अपने आप में एक तरह से मिनी IAS कह सकते हैं और इसको अगर पास कर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर पास नहीं भी कर पाते और मान लीजिए सिर्फ तैयारी करते हैं, सीरियसली तैयारी करते हैं, तो इसका आगे चल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप देंगे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, IIT JEE, राइट, इसके अलावा बिट्स पिलानी के एग्जाम, बिट्स एट जैसे हम कहते हैं, पहले जो AIEEE जो होता था उसका नाम JEE मेन्स है, IIT के लिए JEE एडवांस है, या और भी बहुत सारे, जैसे दिल्ली में एक IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, जामिया का होता है, या इवन आप नेट मतलब मेडिकल का देना चाहते हैं, या आगे चल के कैट का, IAS का, GRE का, TOEFL, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनको अगर आप देना चाहते हैं तो आपका तैयारी उसका जो बैकग्राउंड है वो 8th से या 9th से या 10th से स्टार्ट हो जाता है। आपको उस पर फोकस करते रहना चाहिए। मैं दो तीन बातें कहूंगा, खासतौर पे लैंग्वेज, जैसा कि अभी भी हमारे इंडिया में, खासतौर पे भारत में जो दबदबा है वो इंग्लिश का है, तो मैं ये कहूंगा कि आपका इंग्लिश पे अच्छा फोकस होना चाहिए, एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा मैथमेटिक्स, क्योंकि काफी सारी जो ब्रेन का पार्ट है वो खासतौर पर जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसके लिए 11, 12 में साइंस भी पढ़ना आसान हो जाता है। बल्कि बहुत सारे जो एग्जाम्स के मैंने नाम लिए या जिनके मैंने नाम नहीं लिए, जैसे बैंक का, PO का एग्जाम हो गया, या और भी एग्जाम्स जितने भी कंपटीशंस होते हैं, मैथ्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप ये सारों की कम से कम तैयारी शुरुआत कर दें, और मैं आप लोगों की जीवन में सफलता की कामना करता हूँ। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।